हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अहमद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक मिक्सटेक। दोस्तों, आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे आप जो है ना किसी भी तस्वीर में से, पिक में से आप पिंपल्स ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों, मैंने फोटोशॉप ओपन कर दिया है और मैं डेस्कटॉप में से कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने तस्वीर रखी हुई है इस तरह से। सो इसमें आप टूल कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला टूल है, इस पर क्लोन स्टैम्प टूल, इस पर आप क्लिक करें। अब ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है उसमें से कोई भी क्लीन एरिया हो ना, तो कीबोर्ड में से अल्टर प्रेस करें, उस पर आप क्लिक करें ताकि ये कॉपी हो जाएगी क्लीन एरिया। फिर जहाँ आपको पंपल नज़र आए उस पर आप क्लिक कर दें इस तरह से। हाँ, धीरे धीरे आप इसको क्लिक करते जाएं और ये पंपल्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी तस्वीर आप इस तरह से आसानी से उसमें से पंपल्स रिमूव कर सकते हैं। और चाहें तो पिक्चर को आप ब्राइटनेस वगैरह या कुछ अलग तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, कीबोर्ड में से आप कंट्रोल एम प्रेस करें तो ये कर्व्स लाइन आ जाएगी। इसमें से आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये तस्वीर देखें इस तरह से बिल्कुल वाइट हो जाएगी। फिर उस पर आप ओके कर दें और बहुत सी सारी तस्वीरें हैं इस तरह से। और उसके बाद आपको ये जो टूल दिखाई दे रहा है कौन सा, ये डॉगी टूल, इसमें से भी आप किसी को भी इस तरह से कलर कर सकते हैं बिल्कुल वाइट से। और इसकी भी आप जो है ना ये सर्कल है, इसका आप साइज बढ़ा दें इस तरह से। फिर कंप्लीट फेस भी आप इस तरह से वाइटिंग कर सकते हैं, शाइनिंग आ जाएगी तस्वीर पे। खुद से खुद की भी इसी तरीके से तस्वीर आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और फ्रेंड्स, मैं पहले भी ये टूल बाय टूल के हिसाब से लेसन बनाया हुआ हूँ। आप जाए तो आपको अगर टाइम मिले तो वो प्रीवियस वाले भी हमारे वीडियोस देखें ताकि आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की तस्वीर, मैंने इसमें से पंपल हटा दिए और आप भी ट्राई करना अगर टाइम मिले तो। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे ही हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन पे क्लिक करने से कुछ नहीं जाता, जस्ट हमारी जो है ना हिम्मत अफजाई हो जाती है ताकि हम मोटिवेट है होकर कुछ और भी वीडियोस बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा और उनका भी ख्याल रखना जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।